सुप्रभात, नमस्कार। मैं प्रियंका तिबरेवाल आप सबसे ये निवेदन करने आई हूँ इस लाइव वीडियो के जरिए कि 30 तारीख सुबह सुबह दो नंबर बटन कमल फूल पर अपना वोट दीजिए। बहुत लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर के रात तक जाने की घर घर कोशिश कर रही हूँ, मगर कुछ घर ऐसे हैं जो हो सकता है मुझसे छूट भी जाएं, तो इस चीज को मन पर मत लीजिएगा। अपनी छोटी बहन अपनी बेटी समझ के माफ कर दीजिएगा, लेकिन वोट देने जरूर आइएगा। 2 तारीख दो नंबर बटन, 30 तारीख को सुबह सुबह आकर के अपना वोट भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कमल सिंबल पर जरूर दीजिए। हम खेलेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे और बीजेपी को हम देश से हटाएंगे, ये हमारा वादा है। पुलिस स्टेट बन चुका है, ऐसे प्रदेश में चुनाव हो रहा। आज हमारे नेता बिहार प्रदेश अध्यक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया, आज हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष है उनको रोका गया। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी, आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। यह तो आप समझ ही गए होंगे पहले के वीडियोस देखकर कि यह नज़ारा कोलकाता की भवानीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले गर्माती सियासत और जोर पकड़ते चुनाव प्रचार का है। टीएमसी उम्मीदवार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घर घर जाकर इलाके में वोट मांग रही हैं, वहीं वे बीजेपी पर भी जमकर हमले कर रही हैं। दूसरी ओर बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल भी लगातार वोटरों से समर्थन की अपील कर रही हैं। इलाके की आबादी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भी 2 दिनों से इलाके में प्रचार के लिए उतार दिया है मैदान में। इस इलाके में भवानीपुर में पंजाबियों की तादाद ज़्यादा है और प्रियंका के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं हरदीप पुरी, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और चुनाव में ठीक 1 सप्ताह का समय बचा है। आप जानते हैं 30 सितंबर को मतदान होना है और हालांकि सीट पर ममता की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने को तैयार नहीं हैं। तो आज बताऊंगा इसकी ग्राउंड रिपोर्ट भवानीपुर से, साथ में दोनों दावेदारों के कई वीडियो, चुनाव प्रचार के वीडियो, नुक्कड़ सभाओं के वीडियो। देखिए पूरी रिपोर्ट, जचे तो अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान भी दबा दें। टीएमसी उम्मीदवार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को इलाके के सैकड़ों घरों में जाकर लोगों से समर्थन मांगा और वोट मांगा। उनका कहना था कि आपका एक वोट भी महत्वपूर्ण है और एक नुक्कड़ सभा में उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में उनको साजिश के तहत हराया गया था और दरअसल उनकी किस्मत में भवानीपुर से ही मुख्यमंत्री बनना लिखा था, यही भाग्य में था और इसलिए आपका हर वोट महत्वपूर्ण है, इसलिए अपना वोट जरूर दें। ममता ने यहाँ तक कहा कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो मैं सीएम नहीं रह पाऊंगी और दूसरा कोई सीएम बनेगा, इसलिए मुझे जरूर वोट देकर जिताएं क्योंकि यह लड़ाई अभी लंबी है। कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने इलाके में बड़ी रैलियों पर पाबंदी लगा दी है, इसलिए ममता और दूसरे उम्मीदवार घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएँ कर रहे हैं, इनडोर सभाएँ बंद हॉल में सभाएं कर रहे हैं और ममता बीजेपी पर भी जमकर हमले कर रही हैं। हम खेलेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे और बीजेपी को हम देश से हटाएंगे, ये हमारा वादा है। ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, मैं आपको भारत को तालिबान की तरह नहीं बनाने दूंगी, भारत अखंड रहेगा। उन्होंने गांधी जी, नेताजी, विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुरु नानक और गौतम बुद्ध समेत कई महापुरुषों के नाम लिए और कहा कि मैं किसी भी शर्त पर भारत को विभाजित नहीं होने दूंगी।
उन्होंने बीजेपी पर हमला किया और उसे जुमला पार्टी बताया। उनका कहना था कि वे झूठ बोलते हैं कि हमने राज्य में दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा की अनुमति नहीं दी है। उनका आरोप था कि त्रिपुरा में तृणमूल के लोगों को जाने से रोका जा रहा है, बीजेपी सरकार वहां इतनी डर गई है कि धारा 144 लागू है। उन्होंने कहा कि अब त्रिपुरा समेत बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में भी खेला होगा। दूसरी ओर बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबड़ेवाल ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, घर घर पहुंच रही हैं। उनका कहना है कि नंदीग्राम के वोटरों ने ममता के खिलाफ फैसला दिया था, अब आपको भी वैसा ही फैसला करना है। अपने समर्थन के लिए, अपने प्रचार के लिए वे सोशल मीडिया का भी सहारा ले रही हैं और लोगों से मतदान के लिए अपील कर रही हैं। सुप्रभात, नमस्कार, मैं प्रियंका तिबड़ेवाल आप सबसे ये निवेदन करने आई हूँ इस लाइव वीडियो के जरिए कि 30 तारीख सुबह सुबह 2 नंबर बटन कमल फूल पर अपना वोट दीजिए। बहुत लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर के रात तक जाने की घर घर कोशिश कर रही हूँ, मगर कुछ घर ऐसे हैं जो हो सकता है मुझसे छूट भी जाएं, तो इस चीज को मन पर मत लीजिएगा। अपनी छोटी बहन अपनी बेटी समझ के माफ कर दीजिएगा, लेकिन वोट देने जरूर आइएगा। 2 तारीख 2 नंबर बटन 30 तारीख को सुबह सुबह आकर के अपना वोट भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कमल सिंबल पर जरूर दीजिए। बता दूं कि भवानीपुर इलाके में गैर बंगाली वोटरों की अच्छी खासी तादाद है, इनमें पंजाबी और गुजराती ज्यादा हैं। शायद इसी वजह से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जो पंजाबी हैं उनको प्रियंका के चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतारा है। घर घर जाकर प्रचार करने के अलावा उन्होंने गुरुद्वारे में भी जाकर लोगों से मुलाकात की है। इससे पहले ममता बनर्जी भी गुरुद्वारे गई थी। इसके अलावा हरदीप पुरी ने नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित किया है। अरे सामने देखा, नाचो तो बाबू ना। मेरे साथ जरा एक बार जोर से कहिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाइयों बहनों, मैं यहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल में का रिप्रेजेंटेटिव केंद्रीय मंत्री के तहत नहीं आया हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हमारी जो भवानीपुर में बीजेपी की कार्यकर्ता है प्रियंका जी, उनकी कैनवसिंग के लिए आया हूं आपके पास। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक दल नहीं है, विश्व भर में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और यहाँ पे हम कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, ये नहीं कि वो किसी के
लड़का है या किसी का बेटा है या बेटी है या नेफ्यू है या नीस है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ममता की जीत में कोई संदेह नहीं है, वे दो बार इस सीट पर जीत चुके हैं और पिछली बार शोभन देव चट्टोपाध्याय लड़े थे तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर, उन्होंने 28,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। अब टीएमसी की कोशिश जीत के अंतर को बढ़ाने की है और बीच में ममता बनर्जी ने जो अपील की कि आपका वोट महत्वपूर्ण है, इससे बीजेपी को लग रहा है कि उन्होंने बाजी मार ली है और ममता को हार नज़र आ रही है, उनका डर साफ है, इसलिए बीजेपी उनको घेरने में लगी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ नर्वस हैं, इसीलिए उन्होंने अपील की है कि आप वोट नहीं डाल पाए और मैं जीत नहीं पाई तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाएगा। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी कहा है कि ममता बनर्जी भवानीपुर में जिन हालातों की उम्मीद कर रही थी वैसा कुछ नहीं हो रहा है, मतदान का दिन नज़दीक आने के साथ ही उनको महसूस हो रहा है कि यह मुकाबला बेहद कड़ा है, मजबूरन उनको घर से बाहर निकलकर प्रचार में पसीना बहाना पड़ रहा है, लेकिन इलाके के वोटर, हर मतदाता, हर पार्टी को बेहतर तरीके से समझता है। उधर पेशे से वकील और बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबड़ीवाल भले पहले नगर निगम और विधानसभा का चुनाव हार चुकी हैं, भवानीपुर में उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वे मुकाबले को दिलचस्प और बराबरी का बनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर मिल सके। आखिर वे ममता को कितना टक्कर दे पाएंगी, लाख टके के इस सवाल का जवाब तो 3 अक्टूबर को उसी समय मिलेगा जब ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी और नतीजे सामने आएंगे। मैं लगातार भवानीपुर सीट पर अपडेट आपको बताता रहूंगा आज से चुनाव के दिन तक, देखते रहिए मेरा चैनल। एक बार फिर अनुरोध कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान भी दबा दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।